हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आधी रीडिंग जोन। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि महाशिवरात्रि का फेस्टिवल्स आने वाले, इसलिए हम आपको महाशिवरात्रि पे कमाल की फोटो रीडिंग सिखाने वाले। फ्रेंड्स, आप भी कुछ इस प्रकार की रीडिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को कर लेते हैं बिना टाइम पास के स्टार्ट। करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस बैकग्राउंड को आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। इस फोटो में जितना PNG यूज़ किया है और बैकग्राउंड, सारे PNG बैकग्राउंड को आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स, हम ऐड फोटो पे जाएंगे और अपना मॉडल का इमेज हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मॉडल का इमेज हम ऐड कर लेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स सारा मॉडल का इमेज, इसे हम ऐड कर लेंगे। इसको कुछ इस प्रकार यहाँ पे ऐसे बड़ा करके एडजस्टमेंट कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट करके। इसको यहाँ से ऐसे एडजस्टमेंट करने के बाद फ्रेंड्स ऐसा डन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मॉडल में कुछ इस प्रकार बैकग्राउंड में ऐड हो गया। हम यहाँ से ऐड फोटो पे जाएंगे और अपना PNG ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कौन सा PNG हम कब ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वाले PNG को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेंगे फ्रेंड्स, और बड़ा करने के बाद इसको ऐसे हम ऐड कर लेंगे और इसका एक और डुप्लीकेट कर लेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। और डुप्लीकेट करने के बाद इसको हल्का रोटेट कर लेंगे, रोटेट वाला आइकन क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे और इसको ऊपर के साइड में यहाँ से छोटा करके यहाँ पर हम एडजस्टमेंट कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट करके सिंपली हम यहाँ से ऐसे डन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आ गया फोटो में। हम ऐड फोटो पे जाएंगे और अपना एक और PNG हम ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कौन सा PNG हम कब ऐड करें। तो सबसे पहले तो सेकेंड नंबर PNG हम इसको ऐड करेंगे। तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसका साइज़ बड़ा करके नीचे के साइड में ऐसे येलो इफेक्ट हम दे देंगे फोटो में। तो यहाँ से ऐसे डन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फोटो में थोड़ा येलो इफेक्ट आ गया। ऐड फोटो पे जाएंगे और अपना एक और PNG हम ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कौन सा PNG हम कब ऐड कर रहे हैं। तो इस वाले PNG को फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे, दोनों PNG को। तो सबसे पहले तो इस वाले PNG को फ्रेंड्स यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेंगे और इसका ऊपर के साइड में ऐसे फ्रेंड्स हम इसको ऐड कर लेंगे और इसका एक और डुप्लीकेट कर लेंगे। इसका यहाँ से एक और डुप्लीकेट कर लेंगे फ्रेंड्स और इसको राइट साइड ऐड कर लेंगे। तो इसको भी हम रोटेट कर लेंगे, रोटेटेबल आइकन क्लिक करके। महाशिवरात्रि को टेक्स्ट PNG आपको नीचे के साइड में ऐसे बड़ा करके फ्रेंड्स इसको ऐसे ऐड कर लेंगे। तो महाशिवरात्रि को ऐसे हम ऐड करके यहाँ से ऐसे डन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मॉडल में कुछ ही प्रकार का हो गया। ऐड फोटो पे जाएंगे और अपना एक और PNG हम ऐड कर लेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा PNG। इन दोनों PNG को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाले PNG को फ्रेंड्स थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से हम ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज करके स्क्रीन कर देंगे तो नीचे के साइड में थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा। और इस वाले PNG को थोड़ा फ्रेंड्स बड़ा करके और इसका भी ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर देंगे, स्क्रीन कर देंगे इसका भी ब्लेंडिंग मोड। स्क्रीन करने के बाद इसको थोड़ा ऐसे एडजस्टमेंट कर देंगे नीचे के साइड में और इसको ऐसे टर्न कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आ गया। फोटो में ऐड फोटो पे जाएंगे और अपना एक और PNG हम ऐड कर लेंगे। तो इस वाले PNG को फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा करके और ब्लेंडिंग मोड से स्क्रीन कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ से मल्टीपल से ब्लेंडिंग से स्क्रीन कर देंगे। इरेज वाले आइकन में क्लिक करके यहाँ से बॉडी पार्ट से आपको इरेज कर लेना है फ्रेंड्स फोटो में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इरेज हो गया। ये बॉडी पार्ट से ऐसे हम डन कर देंगे और ऐड फोटो पे जाएंगे और अपना एक लास्ट PNG तिलक वाला PNG को हम ऐड कर लेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा तिलक वाला PNG, कहाँ गया ये रहा फ्रेंड्स। तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो इसको फोटो को जूम करेंगे फ्रेंड्स और इसको ऐसे एडजस्टमेंट करके हम ऐड कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस प्रकार का मॉडल इमेज पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर एडिट हो गया। इस फोटो को थोड़ा कलर एडिटिंग कर लेंगे, लाइट रूम एप्लीकेशन में इसको शेयर कर लेंगे फोटो को। तो फ्रेंड्स, हम अपना लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर ले, यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और जो फोटो को सेव किए थे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से उसको ऐड कर लेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा फोटो, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा फोटो, तो इस फोटो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से सबसे पहले हम कलर वाला आइकन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ से आपको टेम्प को इंक्रीज कर देना है। टेम्प हम फ्रेंड्स इसका 16 कर देंगे और टिंट को इंक्रीज कर देंगे 6 और वाइब्रेंस को कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से 8 और सेचुरेशन को यहाँ से 4 कर देंगे। ऊपर के साइड में मिक्स कलर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे फ्रेंड्स रेड कलर पे और इसका सेचुरेशन हल्का प्लस कर देंगे 21 के आसपास प्लस कर देंगे और ह्यू को माइनस कर देंगे 4 और लुमिनियस को माइनस कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से 6। यहाँ से जाएंगे फ्रेंड्स ऑरेंज कलर पे और इसका लुमिनियस हम प्लस कर देंगे 20 के आसपास 21 कर देंगे फ्रेंड्स और सेचुरेशन -2 कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, फोटो में इफेक्ट बिफोर और आफ्टर थोड़ा कलर इफेक्ट आ गया। यहाँ से जाएंगे फ्रेंड्स येलो कलर पे और इसका सेचुरेशन इंक्रीज कर देंगे 43
और इसका ह्यू हल्का माइनस कर देंगे, माइनस 10 कर देंगे, और ल्यूमिनियस फ्रेंड्स माइनस कर देंगे माइनस 6। चाहेंगे तो फ्रेंड्स आप सेम भी रख सकते हैं, चाहे अपने फोटो के हिसाब से भी रख सकते हैं। यहाँ से जाएंगे फ्रेंड्स ग्रीन कलर पे, और इसका सेचुरेशन हम इंक्रीज कर देंगे 34 कर देना है फ्रेंड्स, और ह्यू माइनस कर देंगे 4, और यहाँ से ल्यूमिनियस को भी माइनस कर देंगे माइनस 6। जाएंगे ओशन कलर पे फ्रेंड्स, और इसका सेचुरेशन प्लस 100 कर देंगे, और यहाँ से ह्यू को माइनस कर देंगे यहाँ से माइनस 12, और यहाँ से ल्यूमिनियस कर देंगे माइनस 6। और जाएंगे ब्लू कलर पे, और इसका सेचुरेशन हम इंक्रीज कर देंगे 100, और इसका ह्यू हम माइनस कर देंगे, हम ह्यू इसका माइनस कर देंगे फ्रेंड्स 34, और यहाँ से ल्यूमिनियस को भी माइनस कर देंगे 4, और इन दोनों कलर का सेचुरेशन हम इंक्रीज कर देंगे प्लस 100, और इसका भी प्लस 100। यहाँ से हम कर देंगे फ्रेंड्स फोटो को डन। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आ गया बिफोर और आफ्टर। यहाँ से जाएंगे फ्रेंड्स हम इस वाले आइकन पे, और यहाँ से हम क्लियरिटी को कर देंगे 10, और इसके बाद जाएंगे इस वाले आइकन पे, शार्पनिंग को कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से हम 16, नॉइज डिटेक्शन को कर देंगे यहाँ से हम 20, और यहाँ से कलर नॉइज डिटेक्शन को कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से इसको भी 20, और यहाँ से जाएंगे फ्रेंड्स सन वाला आइकन पे, यहाँ से एक्सपोजर को माइनस 10 कर देंगे, कंट्रास्ट को इंक्रीज कर देंगे यहाँ से 10, और यहाँ से हाईलाइट्स को डिक्रीज कर देंगे फ्रेंड्स माइनस 10, और यहाँ से शैडो को कर देंगे फ्रेंड्स प्लस 10, प्लस 12 कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ से वाइट को हल्का माइनस कर देंगे, माइनस 30 कर देंगे, यहाँ से ब्लैक्स को इंक्रीज कर देंगे फ्रेंड्स 8। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो कुछ इस प्रकार की एडिट हो गया, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये बिफोर और आफ्टर, लाइट रूम एप्लीकेशन में आने से पहले इस प्रकार का फोटो था, आने के बाद इस प्रकार का फोटो हो गया। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड्स, फोटो को कर लेंगे सेव, तो इस वाले आइकन में क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर देंगे, तो फोटो हमारा सेव हो रहा है फ्रेंड्स, ओके कर देंगे। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ इसी प्रकार के हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जय हिंद।